हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम जैनवासी। देखिए, जस्ट मैं अभी आज प्रस्थान कर रही हूँ यहाँ से कोलकाता के लिए, लेकिन उसके पहले मैं जाऊँगी विंध्याचल अपने कुलदेवी के पास, मेरी माँ के पास, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो कल शाम तक मैं कुलदेवी पहुँचूँगी, और कल शाम तक कुलदेवी पहुँचने के बाद मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ पे पूजा होगी, जो 25 तारीख की रात को, 26 को जन्माष्टमी है, 25 तारीख की रात के बाद 26 को जन्म होगा वहाँ का। 26 को जन्म के बाद मैं डायरेक्टली कोलकाता के लिए प्रस्थान करूँगी। मैं बस एक दिन के लिए मात्र में जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बात है। क्योंकि पिछली बार मैं जब गई थी तो कुछ लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती का डिंग मारा था, तो मुझे ये दिखाना है कि मैं, मेरा चतुरा भैया, हम भाई बहन का रिश्ता ना किसी के पैसों पर किसी पर मोहताज नहीं, और विद्या देवी कभी किसी के पैसों की मोहताज नहीं। हाँ, तकलीफ़ सबको आती है, लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा दिन नहीं रहती। लेकिन मेरा रिश्ता मेरी माँ विंध्यवासिनी से कभी नहीं टूट सकता। मौत एक दिन सबको आनी है, मैं मरने से भी डरती नहीं हूँ, एक बात याद रखिए। मैं अपना काम करती हूँ, हम पंडित हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपनी औकात भूल गया, हमारा ही नमक खा के हमसे नमक हरामी करने की कोशिश की। हाँ, उनके लिए, उन जैसे नमक हरामों के लिए हमने कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुँचा दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं। क्योंकि मेरे को एक बात का बड़ा गुस्सा आता है कि जब मेरे साथ जो नौकर चाकर ड्राइवर जाते हैं, उनसे तुमको ज़्यादा रिलेशन रखने की क्या ज़रूरत है, मेरे से रखना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा फ़िलहाल मेन टारगेट है कोलकाता, तो पहले मैं विंध्याचल जा रही हूँ, विंध्याचल से कोलकाता निकलूँगी। अभी दो दिन बचा है, आज हो गई 23, 24, 25, दो दिन बचा है। जितने लोगों ने लूना चबारी की शक्ति ली, जितने लोगों ने मारण मोहन लिया, सबका काम हो जाएगा। जितने लोग शक्तियों को, सुल्तान जी को साक्षात्कार देखना चाहते, देखिए सिर्फ सुल्तान जी की शक्ति नहीं मिलेगी, जो लोग सुल्तान जी की शक्ति ले रहे हैं उन्हें 15 लाख का फ़ायदा तो है ही, साथ में उन्हें जन्माष्टमी की रात को सुल्तान जी के साक्षात्कार दर्शन होंगे, कोई भी शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन होंगे, ये मेरा वादा है। और बाकी मैं उन सबको बोल के जा रही हूँ, जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, ये तुम्हारा डर है, तुमने मेरे साथ इतना गलत काम किया है, तुम्हें ये बात का डर है कि हम लोग ने इसके साथ गलत किया, इसके बच्चे को आने से रोका। मेरे बच्चे को आने से रोक के क्या लगता है, तुम्हारा बच्चा सुखी रह जाएगा? अरे तुम लोग किसी की कोख उजाड़ते हो, भगवान करे तुम्हारे, तुमको देखना तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा होगा ना कि तुम्हारे बच्चे को पोलियो हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएंगे आजीवन के लिए। पता है जवान के तो ऐसा नहीं हो कि लकवा मार जाए, ऐसा कुछ हो ज़िंदगी भर तुमको उसको बैठ के पालना पड़े। हमारा किया हमारे पास पलट के वापस आता है, बैकफायर होता है, ऐसी बात याद रखना। आप जैसा करोगे दूसरों के साथ, वो अपने साथ होना ही होना है। आप किसी के लिए बुरा सोचो कि आपके साथ बुरा होना ही होना है, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं कोलकाता जा रही हूँ, मेरी माँ ने बुलाया है, मेरी माता रानी ने मुझे बुलाया है किसी के इंसाफ के लिए। रात को मैंने पूरी तरह से वो चीज़ों को नोटिस किया है, सारी चीज़ें की हैं, और जिन जिन लोगों का नाम खुला है उन लोगों को मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पर ऊपर पहुँचाना है। ठीक है, ये दरिंदगी तो ख़त्म करनी है मुझे। और ये वादा है, जितने लोगों ने मुझे एंड टाइम पे मुझे जाने के लिए रास्ता रोका, अपनी एड़ी छोटी की जोड़ लगा ली, पूजा कर लिया, ये बात याद रखना कि ये 26 तारीख को तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जितनी बार बोली उतनी बार कुछ ना कुछ तुम लोग के साथ हुआ ही है, इस बार तो करके रहूँगी। क्योंकि मुझे ये बात बुरा लगता है कि मैं अपने बाप कहते ना, सांप नागिन अपने काम में बिज़ी रहते हैं, मैं अपने काम में अपनी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ, लेकिन तो भी तुम लोग कहते हो ना नागिन को छेड़ने की तुम सबको आदत हो चुकी है, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, तो ये वादा विद्या देवी करके जा रही है कि देखो मेरी यात्रा तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जितने लोगों ने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की है ना, आने वाले समय पर उनके घर में अनाज राशन सब चीज़ की कमी नहीं हो गई, दिक्कत परेशानी नहीं आई, हर एक चीज़ के लिए रोना नहीं पड़े ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं है, ये याद रखना। तुम लोगों की गांड में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं, तुम लोगों को बड़ा, तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग सोचते अरे जा हो के क्या होगा, जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा मेरी विंध्यवासिनी माँ पे भरोसा है। और ये बात याद रखना, मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचूँगी ना, वैसे ही यहाँ जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, उनके साथ वो होगा जो कोई सोच नहीं सकता। और सबसे बड़ी कहते ना, जिनसे मैंने बचपन से प्यार किया, कोलकाता की माँ काली, दक्षिणेश्वरी काली, अरे तुम जैसे लोग क्या कर सकते हो। हाँ, कहते ना पल पल में अपनी औकात बदलने वाले, जिस कहते ना अभी आज की तारीख में दुनिया कैसी हो गई है, जिधर चमत्कार उधर नमस्कार, ऐसे हो तुम लोग। तो तुम लोग जैसे हो कि क्या है, तुम लोगों को हम लोग समझा नहीं पाएंगे, हमारे भगवान तुमको आगे समझाएंगे कि जब वो अपने आप पर आते हैं ना, तो तुम जैसे कि औकात कैसे निकालते वो वेट करो। आने वाली 26 तारीख तुम लोगों के लिए डेडलाइन है, तुम्हारी डेडलाइन को अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो मेरा नाम नहीं, ये बात पक्की है। और बाकी ब्लेसिंग चालू रहेगी,
सब जगह ब्लेसिंग रहेगी। विंध्याचल में बस मैं एक दिन के लिए मात्र जा रही हूँ, ये बताने जा रही हूँ कि ना तो विद्या देवी भगोड़ी है और ना दो पैसों के लिए कहीं भागती है, समझे। और दूसरी बात, जिनसे वो रिश्ता रखती है ज़िंदगी भर का, दिल से रिश्ता रखती है, दिल से रिश्ता रखने वालों को पैसों से तोला ना जाए तो अच्छी बात है। और जिन नमक हराम होने में काम के ना, जिन नमक हराम के लिए मैं कुमाता जैसे औरत को ऊपर पहुँचा सकती हूँ ना, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे घर के भी कुमाताओं को मैं ऊपर पहुँचा सकती हूँ। तुम लोग सारे भड़वे चौधरी को पहले बड़ी औरतों को फंसाने का, हाँ तुम्हारे चाचा मामा बड़े बड़े औरतों को फंसाते हो भोसड़ी के, उनकी कमाई खाते हो, हाँ बाद में वो मरवा देते तो उनके लिए बात करते हो। तुम्हारी औकात ही, तुम लोगों ने जो गलतियाँ की ना, इसीलिए तुम लोग आज ऐसी जगह पे हो। हम जैसे से पंगा लेने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हो, मैं देखो तुम सबके साथ क्या करती हूँ, बस वेट एंड वॉच। ठीक है, जय माता दी।